हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों मैं भी एकदम बढ़िया हूं चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास फुल एनर्जी के साथ एल एंड लाइट में बेटा एल राइट था ठीक है यागामी चलो छोड़ो इन सब बातों को सुनो मेरी बात ठीक है आइए आइए क्लास करते हैं बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बहुत टाइम हो गया आपने बहुत सारी चीजें बेटा सीख ली होंगी आपने बहुत सारी चीजें बेटा सीख ली होंगी क्या कि सर ने ऋषभ सर ने अपनी पचा, पचास हजार की घड़ी पांच हजार रुपए उधार लेने के लिए दे दी थी है ना क्योंकि ऋषभ सर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आता था यस और नो यस सर ऋषभ सर के पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं था पैसा बहुत लेकिन पता नहीं फिर राहुल सर ने उन्हें सिखाया कि इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल क्या होता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होता है फिर कैलकुलेटर ट्रिक सिखाई यस यस ऋषभ सर के मजे ले लिए राहुल सर ने आज चलिए और ऋषभ सर की ऋषभ सर ताली भी बजा रहे थे हैं ऋषभ सर ताली भी बजा रहे थे लेकिन शौक में कि राहुल सर ने क्या ही बात बताई है चलिए स्टार्ट करते बच्चों आज की क्लास को कल हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था करेक्ट कल हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था बेटा हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था तो आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है <coughs> तो मैं यहां पर अब आप लोगों की चैट पढ़ना बंद कर दूंगा ठीक है आपको जो करना है करते रहना मैंने कुछ बच्चे फीमेल टीचर भी मांग रहे थे क्या यह बात भी सत्य है कुछ बच्चे फीमेल टीचर मांग रहे थे कह रहे थे फीमेल टीचर होती तो मजा आ जाता और राहुल सर ने प्रॉमिस किया है कि वो कल अपनी क्लास में बाल लगाकर आएंगे चलिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं चैट में ऑफ करने जा रहा हूं ठीक है अब मैं आपकी चैट नहीं पढ़ूंगा अब हमारा पूरा फोकस नेक्स्ट दो घंटे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पे होगा ठीक है ओके येस और नो येस सर थैंक यू सर पढ़ाइए सर टाइम मत वेस्ट करिए प्लीज सर चलिए आइए तो अब मैं आपकी चैट नहीं पढ़ रहा हूं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं फटाफट पत से पहले थोड़ा सा बेसिक्स एक बार ही बता देता हूं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वाई डेबल कॉन्ट्रैक्ट वाई डेबल कॉन्ट्रैक्ट वाई डेबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है ठीक है ऐसा एग्रीमेंट जो बाय लॉ होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था वाइड कॉन्ट्रैक्ट का जिसमें हमने कहा था पहले तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पहले तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में बाद में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिससे कि वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है तो इसके दो रीजन मैंने आपको बताए थे एक इंपॉसिबिलिटी इंपॉसिबिलिटी और दूसरा दूसरा इलीगल हो जाना दूसरा इलीगल हो जाना यह मैंने आपको बताया था ठीक है फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एग्रीव्ड पार्टी जिसमें एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकती है उसके पास ऑप्शन होता है या उसको कंटिन्यू कर सकती है या उसको कंटिन्यू कर सकती है और ये चीज क्यों होती है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है बिकॉज लैक ऑफ फ्री कंसेंट वहां पर फ्री कंसेंट नहीं होती है जोर जबरदस्ती से कंसेंट ले ली जाती है जैसे कि हमने गन वाला एग्जाम्पल देखा था जैसे कि हमने गन वाला एग्जाम्पल देखा था मैं फिर से बोल देता हूं कोई डाउट आएगा तो डाउट इंजन में लिख दीजिएगा ठीक है अभी मैं कोई डाउट नहीं ले रहा हूं अभी मैं कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा ठीक है ओके सर चलिए यहां तक क्लियर हो गया अभी हमने वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज किताब से नहीं पढ़ी थी चलिए अब हम लोग बुक से पढ़ेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ऐसा एग्रीमेंट जो कि इनफोर्सिएबल है जिसको कि एक party, पार्टी यानी एग्रीव्ड पार्टी यानी ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी यानी जिसे एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो इन्फोर्स करा भी सकती है और चाहे तो इन्फोर्स नहीं भी करा सकती लेकिन दूसरी पार्टी बट नॉट एट दी ऑप्शन ऑफ वन और अदर पार्टी इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी डीजे चाहे तो इनफोर्स करा सकता है लेकिन रॉकी भाई के पास ये ऑप्शन नहीं है इसी को हम वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ठीक है यहां पर अगर आप मानोगे ये यह यहां पर एक पार्टी वन ऑफ द पार्टीज जो एग्रीमेंट की होती है वो इस पोजीशन में होती है उसे ये लीगल राइट right दिया गया है कि वो चाहे तो अपना प्रॉमिस अवॉइड कर सकती है क्या कर सकती है बेटा टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट देन द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एंड बिकम्स वॉयडेबल यानी अगर एक पार्टी को लीगल राइट दे दिया पार्टी ने ठीक है लेकिन वॉयडेबल में के लिए आपको कहां जाना पड़ता है कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाली पार्टी ने आपके साथ गलत किया था वो अलग अलग तरीके का गलत कर सकता है ठीक है आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है जब उसमें प्री कंसेंट नहीं होती यानी पार्टी ने अपनी मर्जी से कंसेंट नहीं दी होती ठीक है जब उसमें प्री कंसेंट नहीं होती है नहीं होती है ठीक है और फ्री कंसेंट कब नहीं होती है लॉ की भाषा में चार वर्ड है पोर्शन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड Undue influence. and एंड influence अभी आपको ये चारों वर्ड क्या होते हैं बिल्कुल नहीं पता है मैंने आपको पहले ही बताया है ये वाला पॉइंट का टॉपिक तीन चार दिन बाद तीन क्लासेस लेके कवर कराया जाएगा तीन क्लासेस लेके कवर कराया जाएगा उसमें यह भी सिखाऊंगा क्वेश्चन क्या होता है उसमें यह भी सिखाऊंगा फ्रॉड क्या होता है उसमें यह भी सिखाऊंगा मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसमें यह भी सिखाऊंगा क्या होता है अभी नहीं सिखा सकता क्योंकि उसका टॉपिक अलग से आएगा फ्री कंसेंट का टॉपिक अलग से आता है जिसमें यह सारी चीजें गुरप्रीत सर डिटेल में बताते हैं यहां पर बस अभी आपको यह याद रखना है अभी के लिए आपको यह याद रखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वॉयटेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब उसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है और फ्री कंसेंट क्यों नहीं होती है हो सकता है कोर्शन हुआ हो क्वेश्चन क्या होता है मुझे नहीं पता अभी नहीं पता फ्रॉड नहीं पता मिस रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं पता अनड्यू इन्फ्लुएंस अभी नहीं पता आगे जाके इन शब्दों का हम मतलब समझ लेंगे ठीक है तो यही बात बेटा किताब में भी लिखी हुई है कि ये राइट right, कैंसिल करने का राइट right आपको क्यों मिलता है ये राइट right आपको किस वजह से मिल सकता है द कॉन्ट्रैक्ट मे बी हैव बोथ अपोर्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज क्योंकि दूसरी पार्टी ने या तो आपके साथ कोर्शन किया होगा या तो आपके साथ अंडियो इन्फ्लुएंस किया होगा या तो आपके साथ फ्रॉड किया होगा या आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन किया होगा अगर इन चारों बातों में से कोई भी बात होगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा वाई कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है डाउट सेशन में अभी कोई नहीं लिखेगा सर क्वेश्चन समझा दो डू इन्फ्लुअ समझा दो सर फ्रॉड नहीं समझा सर मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं समझा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आगे इसकी डिटेल्ड क्लास आएगी वहां पे मीनिंग बताऊंगा अभी मैंने भी मीनिंग बताया नहीं है ईच वर्ड टू बी एक्सप्लेन ठीक है तो यहां पर मुझे अभी के लिए माफ कर देंगे चलिए एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी पढ़ते हैं देखिए यह सेम डीजे और रॉकी वाला एग्जाम्पल है सेम जे और रॉकी वाला एग्जांपल है एक्स ने वादा करा टू सेल हिज स्कूटर एक्स ने वादा करा स्कूटर बेचने का वाई को एक लाख रुपए में लेकिन एक्स की जो कंसेंट थी एक्स की जो कंसेंट थी वो गन पॉइंट पर ली थी यानी गन दिखाकर ली थी इसीलिए एक्स कौन बन जाएगा एग्रीव्ड एक पार्टी एक्स कौन बन जाएगा ऑप्शन ऑफ वाई यानी एक्स अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकता है और नहीं भी कर सकता ये उसकी मर्जी है लेकिन बाय के पास ये ऑप्शन नहीं है इट मींस अगर एक्स एक्सेप्ट कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट को तो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या अगर वो कैंसिल कर लेता है तो वो एक कैंसल्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ओके okay, सर अब एक डिफरेंस दिया हुआ है आपके आईसीआई मॉड्यूल में किसके बीच में वाइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सर क्या डिफरेंसेस एग्जाम में आते हैं जी हां बिल्कुल आते हैं और आते ही आते हैं अराउंड दो डिफरेंसेस तो आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा ठीक है ओके सर चलिए तो डिफरेंस पढ़ते हैं अगर आप एक बार मीनिंग समझ लेते हो तो डिफरेंस समझना इजी हो जाता है आइए डिफरेंस पढ़ते हैं बेसिस वाइड कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या बताया वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताया वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो पहले तो इन्फोर्सेबल लीगली इन्फोर्सेबल होता है बट बाद में वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है उसको हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सो अ कॉन्ट्रैक्ट विच स्टॉप्स टू बी इंफोर्सिएबल लॉ बिकम्स वाइड जिस तारीख से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहता है उस तारीख से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है वाइड बन जाता है जबकि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें एक पार्टी के पास इन्फोर्सेबिलिटी की पावर है जिसके साथ गलत हुआ है लेकिन दूसरी पार्टी के पास ये पावर नहीं है उसको हम वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सो एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट दी ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ दार्टीज देअर टू बट नॉट ऐट दी ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं वादा को पूरा करवाना तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में, जब एक कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा ही नहीं सकते हैं कैन नॉट बी इन्फोर्स एट ऑल आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव पार्टी उसको इन्फोर्स करा सकती है बट दूसरी पार्टी उसको इन्फोर्स नहीं करा सकती है उसके बाद रीजन वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या रीजन होता है और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होने का क्या रीजन होता है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने के दो रीजन होते हैं इंपॉसिबिलिटी और इन हो जाना तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों या तो आपका लॉ चेंज हो गया लॉ चेंज हो गया मतलब वो चीज इनलीगल कर दी गई बैन कर दी गई या yeah, वो चीज इम्पॉसिबल हो गई इम्पॉसिबल मतलब कि कुछ ऐसा हो गया जो पार्टीज के कंट्रोल से बाहर था जैसे कि बाइक का जल जाना तो जब जोन की बाइक जल गई तो ना तो वो अभिषेक के कंट्रोल में था ना वो जोन के कंट्रोल में था तो अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो कि दोनों पार्टीज के कंट्रोल के बाहर है जिसकी वजह से वो चीज इंपॉसिबल हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इडेबल कॉन्ट्रैक्ट के क्या रीजन होते हैं मेन रीजन यह होता है वहां पर पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती फ्री नहीं होती मतलब या तो वो कोर्शन से ली गई होती है या तो वह मिसरिप्रेजेंटेशन से या तो वह फ्रॉड या तो वो अंड तो से ली गई होती है उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्ट मतलब आपने जो प्रोमिस किया है क्या उसको निभाना पड़ेगा या उसको नहीं निभाना पड़ेगा तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको दोनों पार्टीज को अपने प्रॉमिस निभाने की जरूरत नहीं होती जैसे कि अभिषेक और जॉन में जो प्रॉमिस हुए थे अब अभिषेक को दस हजार देने की जरूरत नहीं है और जॉन को बाइक देने की जरूरत नहीं है अगर बाइक जल चुकी है तो तो यहां पर पार्टीज को अपना वादा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है अपने अपने वादे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के, के केस में अगर अल्लू अर्जुन दैट इज डीजे अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर कैंसिल नहीं कराएगा उसको क्योंकि ऑप्शन दिया है उसको ऑप्शन दिया है तो अगर अगर वो ये डिसाइड करता है कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा तो क्या दोनों पार्टी को अपना वादा निभाना पड़ेगा जी हां फिर जो डीजे है उसको स्कूटर देना पड़ेगा और रॉकी को एक लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर कैंसिल नहीं कराया गया तो यही बात लिखी हुई है अगर एग्रीव्ड पार्टी यानी डीजे डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम अगर रीजनेबल टाइम में वो कोर्ट जाकर इसको कैंसिल नहीं कराएगा वो अपना राइट right एक्सरसाइज नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का तो ये कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को अपना वादा पूरा करना पड़ता है और फिर कोई भी पार्टी एक दूसरे पर केस करके क्या करवा सकती है वादे को पूरा करवा सकती है लास्ट पॉइंट मेरे बच्चा लास्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट क्या है पार्टीज के पास क्या क्या राइट होते हैं तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में किसी भी पार्टी के पास कोई भी राइट right नहीं होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही लॉ की नजरों में खत्म हो चुका है लेकिन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी जो जो राइट्स एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं वो सारे वॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कराया गया तो ओके okay, सर नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है मुझे जल्दी बताइए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा ना वो आएगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट ठीक है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट या इलीगल एग्रीमेंट आईसीएआई मॉड्यूल में दोनों चीजों को इंटरचेंजेबली यूज करा गया है फिर से बताता हूं आईसीआई मॉड्यूल में वो ये मानते हैं कि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल एग्रीमेंट दोनों सेम होते हैं ऐसा मानते हैं ठीक है लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या फर्क होता है दोनों में क्या फर्क होता है ठीक है ओके सर चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले मान लीजिए मैं एक केस लेता हूं आइए यहां पर एक केस लेता हूं देखिए हमारे हनी सिंह हनी सिंह गाना गा रहे थे चार बोतल वोट का काम मेरा बेचने का रोज का और आप तो जानते ही हैं ये हमारे राहुल जयकर है बहुत पीते हैं भाई साहब बहुत दारू पीते हैं भैया बहुत दारू पीते हैं अब हुआ क्या ध्यान से सुनना हुआ क्या ठीक है ध्यान से प्लीज सुनेंगे सब लोग मिस्टर हनी सिंह मिस्टर हनी सिंह एग्रीड टू सेल चार लिकर बोतल चार बोतल रोज का है ना तो यहां पर पांच जनवरी 2022 को कौन सी तारीख को पांच जनवरी 2022 को हनी सिंह ने राहुल जयकर से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें दस हजार रुपए में चार लिकर की बोतल दूंगा अब डेट ऑफ डिलीवरी क्या थी वादा हुआ कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ कॉन्ट्रैक्ट डेट कब है पांच तारीख परफॉर्मेंस कब करनी है परफॉर्मेंस कब करनी है परफॉर्मेंस कब, कब करनी है दस जनवरी परफॉर्मेंस कब करनी है दस जनवरी ठीक है अब मान लो इन दोनों डेट्स के बीच में अगर गवर्नमेंट ने लिकर को बैन कर दिया सात जनवरी को अगर गवर्नमेंट ने बीच में बैन कर दिया तो हम इसको क्या कहेंगे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ये क्या हो गया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अरे सर आपने तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी सेम एग्जांपल दिया था ना सर मैं कंफ्यूज हो गया सर मैं कंफ्यूज हो गया वाइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अरे सब बताऊंगा भाई सब बताऊंगा तो चिंता क्यों करता है तू चिंता क्यों करता है सब बताऊंगा तू अभी ये समझ ले कि क्या ये इल्लीगल हो गया कि नहीं ये जो वादा था ये इल्लीगल हो गया या नहीं ये तो इल्लीगल हो गया तो यहां पर लॉ कहता है अगर ये इल्लीगल हो गया तो हम इसको इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे हम इसको इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे अच्छा तो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जब कॉन्ट्रैक्ट किया था जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो इलीगल नहीं था तब वो इलीगल नहीं था लेकिन परफॉर्मेंस डेट से पहले लेकिन परफॉर्मेंस डेट से पहले परफॉर्मेंस डेट से पहले वो इलीगल हो गया वो तो इलीगल ठीक है अब आते हैं इलीगल एग्रीमेंट पर इलीगल एग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट जो बिगनिंग से ही जो बिगनिंग से ही इलीगल था जो बिगिनिंग से ही इलीगल था ठीक है जो बिगिनिंग से ही क्या था इन था ओके इन एग्रीमेंट का एग्जाम्पल देखिए कबीर है ये देखिए कितनी पीते हैं कबीर देखिए आपने तो सुना ही होगा शायद प्रीति के प्यार में मैंने सुना है प्रीति के प्यार में सुते हैं और वड़ा वाव 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 वाऊ करते हैं तो ये जो कबीर जो है ना ये देखिए कितनी सारी पीते हैं और ये चार बोतल वोट का नहीं है ये सौ बोतल वोड का वाले लोग हैं इनका काम सौ बोतल रोज का है ठीक है अब इन्होंने क्या करा गवर्नमेंट ने बैन कब लगाया था सात तारीख को बैन लगाया था गवर्नमेंट ने कब बैन लगाया सात तारीख को कबीर ने कबीर ने हनी सिंह को बोला हनी सिंह यार मुझे ना 400 बोतल चाहिए 400 बोतल चाहिए कब बताया आठ तारीख को बताया ओ माई गोट्स तब तो सरकार ने ऑलरेडी बैन लगा रखा था यानी हनी सिंह ने कहा अरे भाई इस चीज पे तो बैन है अरे भाई इस चीज पे तो बैन है इस चीज को तू क्यों करवा रहा है इस चीज पे बैन है सरकार ने मना करा हुआ है अरे कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता यार मुझे तो 400 बोतल चाहिए कितने की बोतल है दस हजार की है मैं तुझे एक लाख रुपए दूंगा लेकिन मुझे यह बोतल चाहिए मतलब चाहिए मुझे यह बोतल चाहिए मतलब चाहिए तो हनी सिंह ने कहा यार इतना अच्छा पैसा मिल रहा है दस हजार रुपए की बोतल ये एक लाख में खरीदने को तैयार है देख रहे हो कितना प्यार करता है ये किससे अरे प्रीति से नहीं भैया लिकर से कितना प्यार करता है वो देखो ठीक है तो आठ जनवरी यानी बैन के बाद मुझे बताओ जब आठ तारीख को आठ तारीख को इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या उस टाइम ऑलरेडी ये चीज इीगल थी द आंसर इज यस तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इन एग्रीमेंट क्यों क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बन ही नहीं पाया ये कभी लीगली इन्फोर्सिबल हुआ ही नहीं था ये तो हमेशा से ही स्टार्टिंग से लीगली इंफोर्सिबल नहीं था अब कल को अगर कबीर सिंह को हनी सिंह दारू लिखकर देने से मना कर देता है तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाया जा सकता है द आंसर इज नो बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया है आठ तारीख को किया है आपने कॉन्ट्रैक्ट कब किया है आठ तारीख को किया है ठीक है सो दिस विल बी ट्रीट इन लीगल एग्रीमेंट आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इन कॉन्ट्रैक्ट में इन एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है लेकिन आईसीएआई के मॉड्यूल में वो क्या करते हैं इन दोनों को सेम बताते हैं वो क्या करते हैं इन दोनों को सेम बताते हैं बट बत मैंने फिर भी आपको डिफरेंस बता दिया अब बच्चा कह रहा है सर मैंने कहा हां सर मुझे बताओ वाइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताओ अरे सब पूछ लोगे क्या यार तुम मुझसे हैं और वाइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट बताओ सर मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया अरे तू तो यार बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो गया है ना चलिए अब तुमने पूछी लिया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा तुमने पूछी लिया है तो मुझे बताना तो पड़ेगा भैया चलो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने के कितने रीजन होते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने के कितने रीजन होते हैं गुरपी सर ने बताया था दो रीजन होते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट होने के एक इंपॉसिबल होना और एक इलीगल होना और नो और नो वाइड एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब वाइड हो जाता है या तो वो वादा इंपॉसिबल हो गया या वो वादा इलीगल हो गया बताया था गुरपी सर ने और yes नो no? इसमें कौन सा एग्जांपल आता है इसमें कौन सा एग्जांपल आता है बच्चों देखो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट दो रीजन इम्पॉसिबल इलीगल इसमें आता है बाइक जल गई बाइक जल गई जॉन की बाइक जल गई इंपॉसिबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते और इल्लीगल वाले एग्जाम्पल में आता है हनी सिंह वाला एग्जाम्पल हनी सिंह एंड राहुल जयकर वाला एग्जाम्पल यानी यानी ये जो इल्लीगल है ना यही तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है समझे क्या यानी इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाइड कॉन्ट्रैक्ट तो है ही लेकिन ये जहां पर इम्पॉसिबल हो गया वो इलीगल थोड़ी है अगर जोन की बाइक जल गई तो क्या वो इलीगल हो गया कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेकिन क्या वो वाइड हो गया वाइड का मतलब होता है आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते आप इस केस में भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते आप इस केस में भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट के दो रीजन होते हैं क्लियर है क्या उसमें से एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रही थी सेम वाइड एग्रीमेंट के कितने रीजन सिखाए थे सर ने वाइड एग्रीमेंट जो सर ने बोला था कि वाइड एग्रीमेंट कितने रीजन बताए थे कितने यूनिट से ग्यारह ग्यारह रीजन से वाइड एग्रीमेंट होने के जो मैंने बताया था कब सिखाऊंगा यूनिट थ्री में सिखाऊंगा यूनिट थ्री में एक क्लास वाइड एग्रीमेंट पे लगाऊंगा दस रीजन एक रीजन एक रीजन उसमें से इलीगल होना भी है एक रीजन उसमें से इलीगल होना भी है एक रीजन उसमें से इलीगल होना भी है मेरे बच्चा और इसीलिए इलीगल एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ वाइड एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट इज अ टाइप ऑफ यानी ये इलीगल भी है और वाइड भी है इलीगल क्यों क्योंकि लॉ ने उसे करने से मना करा हुआ है और वाइड क्यों है क्योंकि आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसे लेकर नहीं जा सकते आई होप आपके जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे इन लीगल व्हाइट कॉन्ट्रेक्ट वर्सिज वाइट एग्रीमेंट वर्सिज इन लीगल एग्रीमेंट को लेकर ये दस रीजन क्या है सर ये बता दो ना बेटा ये दस रीजन मैं आपको यूनिट थ्री में सिखाऊंगा यूनिट थ्री का वेट कर लो वहां पर कवर होंगे ठीक है चलिए अब देखिएगा <coughs> अच्छा चलिए सुनिए समझिए ठीक है ये लाइन मुझे बताइएगा पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लेकिन सारे वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल नहीं होते सारे वाइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होते ठीक है अगेन सारे इलीगल एग्रीमेंट्स सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन सारे वाइड एग्रीमेंट्स इलीगल ही होते ठीक है ओके यस सर अब एक लाइन में आपको पढ़ाना चाहता हूं एक लाइन में आपको पढ़ाना चाहता हूं ठीक है क्या पढ़ाना चाहते हो सर क्या पढ़ाना चाहते हो एक लाइन में आपको पढ़ाना चाहता हूं ध्यान से समझना लेट्रल को लेटरल का मतलब होता है सपोर्टिंग को का मतलब क्या होता है सपोर्टिंग ठीक है को एग्रीमेंट्स को एग्रीमेंट्स टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर वाइट वाइड वर्ड का मतलब अब आप जानते हैं ध्यान से समझेंगे इस केस लोग को कॉलेटरल एग्रीमेंट को एग्रीमेंट इन यानी सपोर्टिंग इन लीगल एग्रीमेंट के सपोर्टिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं वाइड होते हैं ठीक है इसका क्या मतलब है देखिएगा एक्स <clears throat> ने वाई को बोला कि तू मर्डर कर दे मर्डर कर दे किसका मर्डर कर दे जेड का मर्डर कर दे तो मैं तुझे बदले में पांच लाख रुपए दूंगा एक्स ने वाई को बोला तू जेड का मटर कर दे मैं तुझे बदले में क्या दूंगा पांच लाख रुपए दूंगा आप मुझे बताइए क्या यह इलीगल एग्रीमेंट है या नहीं है एक्स और वाई के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है क्या वो इलीगल एग्रीमेंट है या नहीं है बताइए जी हां ये इीगल एग्रीमेंट है जी हां यह इीगल एग्रीमेंट है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या यह वाइड एग्रीमेंट भी है जल्दी बताओ क्या यह वाइड एग्रीमेंट भी है क्या यह वाइड एग्रीमेंट भी है जी हां मेरे दोस्तों ये वाइड एग्रीमेंट भी है यह इलीगल भी है और क्योंकि यह इलीगल है तो वाइड तो है ही अब देखना एक्स ने डब्लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एक्स ने डब्लू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि डब्लू तू मुझे पांच लाख रुपए उधार दे दे तू मुझे क्या दे दे पांच लाख रुपए उधार दे दे क्यों उधार मांगे एक्स ने एक्स ने उधार इसलिए मांगे ताकि वो वाई को पांच लाख मर्डर करने के लिए दे सके क्योंकि वाई को तो पैसे देने हैं ना मर्डर करवाना है तो तो डब्ल्यू ने क्या करा सुनिएगा डब्लू ने क्या करा डब्लू एक्स ने डब्लू को बोला कि मुझे पांच लाख रुपए उधार चाहिए डब्ल्यू ने कहा क्यों उधार चाहिए उसने कहा मैं ये वाई को दूंगा ताकि वो जेड का मर्डर कर दे तो मुझे बताओ लोन लेना मुझे बताओ ये जो लोन लेना है ये जो एक्स ने डब्ल्यू से क्या लोन लिया है क्या ये इनलीगल एग्रीमेंट है हा या ना एक्स ने डब्ल्यू से जो लोन लिया है क्या ये क्या ये क्या ये इनलीगल एग्रीमेंट है लोन लेना क्या इनलीगल होता है आंसर इज नो नॉट एन इन एग्रीमेंट नॉट एन इन एग्रीमेंट भाई लोन लेना कब से इल्लीगल होने लग गया बट लॉ कहता है अगर आपने किसी इल्लीगल एग्रीमेंट के लिए कोलेट्रल कोलेट्रल एग्रीमेंट किया है ये जो कोलेट्रल है ना कोलेट्रल एग्रीमेंट कोलेट्रल मतलब क्या सपोर्टिंग आपने यह पांच लाख रुपए देने के लिए तो लोन लिया है तो लॉ ने कहा यह एग्रीमेंट तो इलीगल नहीं है बट यह लॉ की नजरों में वाइड माना जाएगा लॉ की नजरों में वाइड माना जाएगा समझे क्या यानी एक्स ने जो डब्ल्यू के साथ लोन लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है वो इीगल तो नहीं है वो इीगल तो नहीं है लेकिन 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 वो लॉ की नजरों में वाइड एग्रीमेंट है वो लॉ की नजरों में वाइड एग्रीमेंट है ठीक है अब मैं दो सिनेरियो लेता हूं मुझे बताना मान लो मान लो ठीक है मान लो कि W को पता था W को पता था कि एक्स एक्स वाई को वाई को मर्डर के लिए वाई को मर्डर के लिए पांच लाख के लिए लोन मांग रहा है केस वन केस वन और केस टू केस टू डब्ल्यू को पता नहीं था डब्ल्यू को पता नहीं था कि एक्स ने ये पैसे वाई को वाई को मर्डर के लिए देने के लिए लिए आप बताओ इन दोनों में से कौन से वाले केस में यह वाइड एग्रीमेंट होना चाहिए केस वन में वाइड एग्रीमेंट होना चाहिए केस टू में वाइड एग्रीमेंट होना चाहिए ऑप्शन देता हूं ए केस वन में वाइड होगा बी केस टू में वाइड होगा सी केस थ्री क्लियर है।, है क्या अब मैं पोलिंग ले लेता हूं बोथ 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 सी है बोथ सी बोथ है मैंने केस थ्री लिख दिया सी बोथ है तो लॉ कहता है ओनली ऑप्शन वन अरे भाई अगर एक्स मुझे बताकर पैसे लेकर गया था कि मैं ये पैसे तुझसे उधार जेड का मटर करने के लिए ले रहा हूं बाद में दे दूंगा तो यहां पर तो मुझे पता था मैं भी गलत काम कर रहा हूं ना मैंने क्यों दिया फिर उसे लोन जब मुझे पता था तो जब मुझे पता था तो मैंने उसे लोन क्यों दिया तो लॉ कहेगा अरे 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 सेवेंटी परसेंट बच्चों ने सही बताया है सेवेंटी परसेंट बच्चों ने सही बताया है कि अगर डब्ल्यू को पता ही नहीं था कि वो लोन जो पैसा लिया गया है वो गलत कामों के लिए लिया गया है तो वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना मान लो आप किसी दुकान से चाकू खरीदने ले जाते हो है ना एक किसी दुकान से चाकू खरीद कर लाते हो तो वो चाकू आप मर्डर करने के लिए खरीद रहे हो या वो चाकू आप सब्जी काटने के लिए खरीद रहे हो ये दुकान वाले नॉर्मली पूछता नहीं है ये दुकान वाला नॉर्मली पूछता नहीं है आपने चाकू मांगा उसने चाकू आपको दे दिया तो लॉ कहता है नॉर्मली ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्मली ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अगर वो आपको बता रहा है ये चाकू ना मैं मर्डर के लिए लेने जा रहा हूं फटाफट दे दो तो आप उसे क्यों दे रहे हो तो लॉ कहता है वहां पर वो वाइट बन जाता है वहां पर वो वाइट बन जाता है ठीक है ओके सर ओके सर तो यानी मैं अगर सिंपल सी बात कहूं सिंपल सी बात कहूं तो देखिएगा वाइड एग्रीमेंट के कितने रीजन होते हैं इलेवन रीजन होते हैं कितने रीजन होते हैं अभी पढ़ाए नहीं है बट आपको पता तो है इलेवन रीजन होते हैं उसमें से दस रीजन दस रीजन जो होते हैं दस रीजन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स दस रीजन वाले एग्रीमेंट जो होते हैं उसके उसके इन एग्रीमेंट्स के कोलेटरल एग्रीमेंट्स इन एग्रीमेंट्स के कोलेट्रल एग्रीमेंट्स वाइड वाइड नहीं होते हैं वाइड नहीं होते हैं लेकिन ये जो एक रीजन इसमें दिया हुआ है क्या इलीगल एग्रीमेंट वाला इलीगल एग्रीमेंट वाला उसका सपोर्टिंग एग्रीमेंट यानी उसका कोलेट्रल एग्रीमेंट वाइड होता है वाइड होता है ठीक है वाइड होता है तो वाइड एग्रीमेंट के ग्यारह रीजन होते हैं दस रीजन हम यूनिट थ्री में पढ़ेंगे बट उससे रिलेटेड कोई भी सपोर्टिंग एग्रीमेंट होगा वो वाइड नहीं होगा लेकिन इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी कोलेट्रल एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है यहीं पे नहीं रुकूंगा आगे सुनो मुझे बताओ जेल जेल या पनिशमेंट किसमें मिलेगी इसमें जेल होगी या इसमें जेल होगी मुझे बताओ जेल पार्टी में किसको होनी चाहिए इल्लीगल एग्रीमेंट में होनी चाहिए या बाकी के रीजन में जेल होनी चाहिए जेल पनिशमेंट कौन से वाले में होनी चाहिए आप लोग बताओ चलिए अब बच्चा कह रहे हैं इतने बच्चे स्पैम कर रहे हैं सुन लेते हैं उनकी बच्चे कह रहे हैं सर बहुत कंफ्यूजन हो रही है इन <coughs> वाले में होगी वेरी गुड इन वाले में होगी चलिए अब मुझे चैट देखनी पड़ रही है क्योंकि इतना बच्चा लिखेगा सर नहीं समझ रहा नहीं समझ रहा नहीं समझ रहा तो भैया देखना तो पड़ेगा ही थोड़ा है ना चलो पहले तो ये देखते हैं कि किस बच्चे को कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा आओ पोलिंग ले लेते हैं क्या करें पोलिंग तो लेनी पड़ेगी एक पोल ले लेते हैं आइए चलिए तो भाई फिफ्टी परसेंट बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहा है जिसमें टॉप किया है कुछ बच्चों ने चलिए ठीक देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं अगर आप क्लास बीच में से कर रहे हैं ठीक है अगर आप क्लास में बीच में से करेंगे तो तो पक्का नहीं समझ आएगा ठीक है तो तो पक्का नहीं समझ आएगा पहली बात जितने बच्चे बीच में से आए होंगे उनको नहीं आएगा लेकिन जो बच्चे कॉन्टिन्यू कर रहे हैं अगर उनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक बारी दोबारा समझा दूंगा ठीक है एक लास्ट बारी मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं लास्ट बारी मैं रिपीट कर रहा हूं ठीक है लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग ओके चलिए आइए सुनिए ठीक है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बात करता हूं ठीक है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं बात करता हूं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो लीगली इनफोर्सेबल होता है जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं ठीक है ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें हम कोर्ट में जा सकते हैं ओके okay. और वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें जिसमें जो पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में लेकिन बाद में लेकिन बाद में वाइड हो गया बाद में वाइड हो गया बाद में क्या हो गया वाइड हो गया ठीक है ओके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो लीगली इन्फोर्सेबल होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो पहले तो वैलिड था लेकिन बाद में अब वो बाद में वाइड क्यों हो सकता है क्योंकि वो वादा या तो इम्पॉसिबल हो गया आपने प्रॉमिस किया वादा इम्पॉसिबल हो गया तो अब आप कोर्ट में कैसे जाओगे जब वो वादा पूरा हो ही नहीं सकता ठीक है और दूसरा रीजन हो सकता है कि वो चीज बाद में बाद में इलीगल हो गई बाद में इलीगल हो गई तो इन जब वो इीगल होती है इसको हम इीगल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इन कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है है क्या यहां पर ठीक है यहां पर क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लीगली इंफोर्सिबल वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन बाद में वाइड हो गया क्यों हो गया इंपॉसिबल हो गया इंपॉसिबल के हमने बहुत सारे रीजन देखे थे ठीक है ओके एंड इन का आज हमने एग्जाम्पल देख लिया हनी सिंह और राहुल वाला यहां तक सबको कोई दिक्कत कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं ठीक है उसके बाद एग्रीमेंट की बात करता हूं ऐसे एग्रीमेंट जो लीगली इंफोर्सिएबल होते हैं ऐसे एग्रीमेंट जो लीगली इंफोर्सिएबल होते हैं वो क्या बनते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट विच इज लीगली इंफोर्सेबल मैं सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करके बता रहा हूं सारे टॉपिक्स को सारी बुक में अलग अलग लिखे हुए हैं ठीक है थीके? लेकिन मैं सारे टॉपिक्स को कनेक्ट करके बता रहा हूं उसके बाद अगर वो नॉट लीगली इंफोर्सिबल है यानी आप उसमें कोर्ट में नहीं जा सकते तो वो होता है वाइड एग्रीमेंट वो क्या होता है वाइड एग्रीमेंट वो क्या होता है वाइड एग्रीमेंट, है वाइड एग्रीमेंट जिसके ग्यारह रीजन होते हैं जो मैंने अभी पढ़ाए नहीं है जो मैंने अभी पढ़ाए नहीं है ठीक है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए ग्यारह रीजन होते हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं लेकिन इसमें से दस रीजन यूनिट थ्री में पढ़ाऊंगा कहां पढ़ाऊंगा यूनिट थ्री में पढ़ाऊंगा यूनिट थ्री में और एक रीजन यहीं पर पढ़ा दिया दैट इज इीगल दैट इज इीगल दैट इज इीगल दैट इज इीगल और इसी को हम इीगल एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसी को हम इीगल एग्रीमेंट भी बोलते हैं ठीक है ओके तो सारे के सारे इीगल एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होते हैं बिकॉज इसमें ग्यारह रीजन में से एक रीजन आता है और यहां पर आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं ठीक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं अब लॉ ने यह कहा सुनना लॉ ने यह लाइन बोली कि इन लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई और सपोर्टिंग एग्रीमेंट होगा ठीक है इन लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई और एग्रीमेंट होगा इन लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई और एग्रीमेंट होगा यानी सपोर्टिंग एग्रीमेंट होगा लॉ की नजरों में वो भी वॉइड हो जाएगा लेकिन बाकी रीजन की वजह से अगर कोई सपोर्टिंग होगा वो वाइड नहीं होता है बस इतना सा आप समझ लीजिए ठीक है यस मनीषा होगी बिल्कुल होगी चलिए अब अब मैं एक बारी आपको वाइड एग्रीमेंट और इन एग्रीमेंट में डिफरेंस बढ़ा देता हूं यहां से अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं ठीक है यहां से अरे यार अब खुशी पूछ रही है सर इलीगल एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बता दो यहां पे बताया तो है जहां पे बताया तो था बेटा इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस इलीगल एग्रीमेंट और इन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताया है मैंने ऑलरेडी इीगल एग्रीमेंट स्टार्टिंग से इलीगल होता है स्टार्टिंग से इलीगल होता है और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से नहीं कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बट परफॉर्मेंस होने से पहले इलीगल होता है ठीक है चलिए ठीक है इज इट क्लियर यस और नो डाउट इंजन बंद आ रहा है क्या बच्चा कह रहा है डाउट इंजन बंद आ रहा है डाउट इंजन कैसे बंद हो सकता है दिया बेटा मेरे टीम को ठीक है मैंने नो no स्लाइड्स वाला प्रॉब्लम है वो बोल दिया है टीम को ठीक है चलिए आदित्य मैंने कल की क्लास में बताया था चलिए अब मैं यहां से आपकी चैट बंद कर रहा हूं और आगे लेकर जा रहा हूं ठीक है यहां से अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं मतलब बंद मतलब मैं नहीं देखूंगा आपको जो करना है करते रहिए अब मैं आगे चलूंगा ठीक है ओके नहीं होगा सृष्टि नहीं होगा ठीक है चलिए वाइड एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे सबसे पहले वाइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल देखो वाइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है इलीगल हो क्यों क्योंकि वाइड एग्रीमेंट के ग्यारह रीजन होते हैं जिसमें से एक ही रीजन पर वो इलीगल होता है इसीलिए वाइड एग्रीमेंट का जरूरी नहीं है वो इलीगल हो लेकिन इन एग्रीमेंट हमेशा अवॉइड होते हैं इन एग्रीमेंट हमेशा अवॉइड होते हैं नेचर वाइड एग्रीमेंट को नॉर्मली लॉ कर लॉ उसे करने से मना नहीं करता है लेकिन इलीगल एग्रीमेंट को लॉ करने से मना करता है कि लॉ कहता है तुम्हें ऐसे एग्रीमेंट्स एंटर नहीं करने चाहिए जैसे कि मर्डर वाला एग्जांपल तो ऐसे लॉ ने फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना मना करना उसके बाद पनिशमेंट पनिशमेंट किसमें मिलेगी वाइड एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है पनिशमेंट मिले क्योंकि उसके दस रीजन में से दस रीजन पे तो कोई इन नहीं है लेकिन इन एग्रीमेंट में हमेशा आपको क्या मिलती है सजा मिलती है पनिशमेंट मिलती है हो सकता है फाइन लगता हो हो सकता है जेल जाना पड़े ओके सर नेक्स्ट है कोलेटरल एग्रीमेंट वाइड जो एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट के कोलेट्रल होते हैं वो वाइड नहीं होते हैं वो वाइड नहीं होते हैं लेकिन जो एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट इनलीगल एग्रीमेंट से कोलेटरल होते हैं वो वाइड होते हैं और दिसंबर 22 में इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था जो मैंने आपको कराया है उसके बाद एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं इन लीगल का आइए इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट का एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं चलिए मेरे साथ इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसे लॉ करने से मना करता है जिसे लॉ करने से मना करता है द कोर्ट कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवाता आप इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट को ले जाकर कोर्ट में नहीं जा सकते हो एंड इससे रिलेटेड कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट यानी इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी क्या होते हैं वॉइड होते हैं वो भी कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं बट सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं डिसिमिलैरिटी है लेकिन दोनों ही अब एक नया वर्ड आ गया वाइड एब इनिशियो वाइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है बच्चों वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग

जो कि इमोरल होता है जो कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है जैसे कि जैसे कि देखिए अगर आर ने एस को बोला कि तू मुझसे ड्रग्स खरीद ले ड्रग्स मतलब ब्राउन शुगर ब्राउन शुगर मुझसे ड्रग्स ले ले अब गवर्नमेंट ने ड्रग्स को बैन करा हुआ है तो ये क्या है एक इलीगल एग्रीमेंट है ये क्या है इलीगल एग्रीमेंट है इंस्टीट्यूट ने क्या करा है ना टॉपिक में इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है बट इलीगल एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को मिक्स करके एक पैरा बना दिया उसने डिफरेंशिएट ही नहीं करा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अलग होते हैं उसने एक ही पैरा बना दिया इसीलिए ये थोड़ा सा पैरा जो है कंफ्यूजिंग हो जाता है ओके ठीक है सेक्शन टू में भी लिखा हुआ है ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स नहीं करा सकता वो वाइड होता है और जिसके बड़े सारे रीजन होते हैं और बड़े सारे रीजन मतलब ग्यारह रीजन होते हैं जो गुरप्रीत सर बाद में पढ़ाएंगे जो गुरप्रीत सर बाद में पढ़ाएंगे चलिए लास्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है अन इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या आता है अन इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट आता है बच्चों ठीक है इसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे अन इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेक्ट होता है अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफेक्ट होता है तो हम उसे अन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सर डिफेक्ट का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे अभी समझेंगे डोंट वरी अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं अन इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जैसे ए ने पी को ओरली पूछा ओरली पूछा क्या तू मुझसे मोबाइल खरीदेगा क्या तू मुझसे मोबाइल दस हजार में खरीदेगा क्या तू मुझसे मोबाइल दस हजार में खरीदेगा ठीक है बी ने भी ओरली यस कह दिया बी ने भी ओरली क्या कह दिया यस कह दिया मुझे बताओ कोर्ट ऑफ लॉ में मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ लॉ में देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है आप कॉन्ट्रैक्ट को ओरल भी कर सकते हो रिटर्न भी कर सकते हो तो ये बात कहां लिखी है यह बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई है हमें फर्क नहीं पड़ता आप ओरल करो चाहे रिटर्न करो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिया लेकिन मान लो कल को अगर बी मोबाइल खरीदने से मना कर दे तो ए अगर कोर्ट में जाएगा ए अगर कोर्ट में जाएगा तो जज साहब क्या मांगेंगे प्रूफ मांगेंगे अब ये वैसे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना तो ये इीगल है ना इसमें कोई दिक्कत है सब कुछ ठीक है लेकिन जब कोर्ट ऑफ लॉ में इसे इनफोर्स करने की बारी आई ए ने कहा जज साहब इसने मुझसे मोबाइल जो है खरीदने का वादा किया था अब ये खरीद नहीं रहा है जज साहब ने कहा प्रूफ दिखाओ अब ए के पास कोई प्रूफ नहीं था तो लॉ कह रहा है वैसे तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन अगर किसी डिफेक्ट की वजह से जैसे यहां पर डिफेक्ट क्या हो गया एबसेंस ऑफ राइटिंग एबसेंस ऑफ राइटिंग क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं करा इसीलिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ नहीं कर पाए कि इसने सच में हमसे वादा किया था तो लॉ ने कहा डिफेक्ट की वजह से सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अन इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है वाइड कॉन्ट्रैक्ट और अन कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट में लॉ में ग्यारह रीजन दिए हुए हैं बस वही ग्यारह रीजन की वजह से इड एग्रीमेंट बनता है और वाइड कॉन्ट्रेक्ट के दो रीजन होते हैं लेकिन अन इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट किसी भी रीजन की वजह से अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उसे प्रूफ नहीं कर पाते हो किसी भी कोई भी और चीजें होती हैं तो हम उसको इन अन इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अन इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं तो यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एकदम बढ़िया है एकदम बढ़िया है यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से जैसे कि राइटिंग में आपने नहीं करा या जैसे कि लिमिटेशन एक्ट का टाइम खत्म हो गया उस वजह से आप एक दूसरे पर केस नहीं कर पा रहे हो तो हम इसको अन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इसमें आईसीआई ने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्लीज ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम ठीक है प्लीज ध्यान से सुनिएगा मिस्टर मिस्टर गोपाल गोपाल वसूली भाई के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे दो लाख रुपए के गुड्स दे दो क्रेडिट पे कब गए 2015 में कौन गोपाल भाई वसूली भाई के पास गए और दो लाख रुपए के गुड्स उधारी पर खरीद लिए मुझे बताओ गुड्स उधारी पर खरीदना क्या यह वाइड कॉन्ट्रैक्ट है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों से जानना चाहता हूं गुड्स को क्रेडिट पर खरीदना वाइड है या वैलिड है यह बताइए जल्दी सब बच्चे बताइए वेरी गुड वेरी गुड ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है यानी अगर वसूली भाई गुड्स नहीं देगा तो गोपाल भाई वसूली भाई पर केस कर देंगे और अगर गोपाल भाई क्रेडिट पीरियड खत्म होने पर मान लो एक महीने का क्रेडिट पीरियड था अगर एक महीने का क्रेडिट पीरियड था एक महीने के बाद अगर गोपाल भाई पैसे नहीं देंगे तो वसूली भाई गोपाल भाई पर केस करके क्या कर देंगे क्या कर देंगे बताओ क्या कर देंगे पैसे रिकवर कर लेंगे तो देखिएगा ये मान लीजिए ये 2015 है 2016 2017, 2018, ठीक है ध्यान से सुनिएगा 2015 पर क्रेडिट पर गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पर गुड्स खरीदे थे ठीक है किसने खरीदे थे गोपाल भैया ने खरीदे थे अब गोपाल भैया ने गोपाल भैया ने नॉर्मली क्या होना चाहिए था एक महीने बाद क्या करना चाहिए था सब बताओ एक महीने बाद क्या करना चाहिए था पेमेंट कर देनी चाहिए थी पेमेंट कर देनी चाहिए थी बट वो ठहरे गोपाल भैया गोपाल भैया ने वसूली भैया को कोई पेमेंट नहीं करी कोई पेमेंट नहीं करी तो लॉ कहता है मान लो वसूली भाई को वसूली भाई को मान लो 2018 में याद आया 2018 में वसूली को याद आया अरे गोपाल से तो पैसे लेने थे गोपाल से तो गुड्स के पैसे ही नहीं लिए 2015 में तो क्या तो क्या वसूली भाई क्या वसूली भाई अब केस कर सकते हैं गोपाल भाई पे तीन चार साल बाद तो लॉ कहता है आप एज पर लॉ एज पर कौन सा लॉ लिमिटेशन एक्ट एज पर कौन सा एक्ट लिमिटेशन एक्ट में यह लिखा हुआ है कि ड्यू डेट से ड्यू डेट से ड्यू डेट से तीन साल के अंदर आप वसूली भाई जो है वो केस फाइल कर सकते हैं यानी वसूली भाई को जो केस फाइल करने का राइट मिला है वो सिर्फ कितने साल के लिए मिला हुआ है तीन सालों के लिए मिला हुआ है यानी ड्यूडेट से जिस दिन गोपाल भैया को पैसा रिटर्न करना चाहिए था उस दिन से तीन साल के अंदर वसूली को केस फाइल कर देना चाहिए था अगर वसूली चार साल बाद पांच साल बाद केस करने जाएगा तो लॉ कहेगा हम पुराने केसिस को एंटरटेन नहीं करते हैं यानी इस तारीख के बाद इस तारीख के बाद वसूली अपना वसूली अपना केस करने का राइट खो देगा केस करने का राइट खो देगा तो यहां पर इस टाइम के बाद ये क्या बन जाता है अन कॉन्ट्रैक्ट क्यों पहले तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था यहां से लेकर यहां तक ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन तीन साल खत्म होते ही लिमिटेशन एक्ट की वजह से लिमिटेशन एक्ट की वजह से वसूली भाई अब केस नहीं फाइल कर सकते तो अगर आपको किसी भी पार्टी से केस करके पैसा निकलवाना है तो लॉ ने आपको तीन साल का वक्त दिया होता है यानी जिस दिन वो पैसा ड्यू हुआ अरे तुम सो रहे थे क्या तीन साल दिए थे तुम्हें पैसा रिकवर करने को कितने साल दिए थे तीन साल जिस दिन डेट आई जिस दिन उसने पैसा देना था तुम उसे पूछते भैया पैसा कल दूंगा परसों दूंगा तरसों दूंगा ऐसे करते करते साल साल तक तक हमने तुम्हें कहा कि तुम तीन साल तक लीगल एक्शन ले सकते हो लेकिन तीन साल बाद तुम लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो यही बात बेटा यहां पर मैंने समझाई है कि मान लो अगर दो में वसूली भाई केस करेंगे गोपाल पर कि भैया मेरा उस साल का गुड्स का पैसा दो तो लॉ कहेगा हम ऐसे केसेस को एंटरटेन नहीं करेंगे वो कह रहा है।, हाँ, है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है कह रहे हां ये वैलिड है लेकिन ये लिमिटेशन एक्ट की वजह से अन इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है अन इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रेक्ट बन चुका है तो अन इनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कब कब बनता है या तो आपने राइटिंग में नहीं करा था तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर प्रूफ नहीं कर पाए या लिमिटेशन एक्ट की वजह से वो बार्ड हो गया बार्ड मतलब खत्म हो गया टाइम बार्ड मतलब टाइम उसका चला गया उस वजह से हो सकता है उस वजह से हो सकता है ठीक है तो एज पर लिमिटेशन एक्ट जो उधारी आपने ली है वो लीगली आप सिर्फ तीन साल तक कलेक्ट कर सकते हो तीन साल के बाद आप लीगल राइट खो देते हो उसके ऊपर केस करने का आप लीगल राइट खो देते हो और क्योंकि 2022 में वसूली भाई ने पैसा मांगा तो ऑलरेडी तीन साल हो चुके थे इसीलिए वसूली भाई पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं केस करके केस करके यहां पर यहां पर बेटा हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक जो है वो फिनिश होता है जबकि ये पिछली क्लास का टॉपिक है आज की क्लास का तो अगला टॉपिक अब मैं एक्चुअली क्लास स्टार्ट करूंगा इसके बाद अन इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस यानी वैसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से यानी अगर वो राइटिंग में नहीं है या वो लिमिटेशन एक्ट की वजह से उसका टाइम जा चुका है तो एक या दोनों पार्टीज एक दूसरे पर केस नहीं कर सकती तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को अन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और ये सेम एग्जांपल वसूली भाई वाला जो मैंने आपको दिया है वो आपके मॉड्यूल में ए और बी के नाम से दिया हुआ है ए और बी के नाम से दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो आज की क्लास का टॉपिक है वो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पेज नंबर बता देता हूं बुक कहां गई मेरी पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं चलिए पेज नंबर है आज के टॉपिक का पेज नंबर वन पॉइंट टू वन पेज नंबर है वन पॉइंट टू वन टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्ट दिस टॉपिक आई एम स्टार्टिंग ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो मिनट का ब्रेक दे रहा हूं दो मिनट का आप प्लीज ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद यह टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा चलिए ब्रेक के बाद फुल एनर्जी के साथ वी आर बैक यस और नो यस सर चलिए सबसे पहले मैं इसको दो टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा पहला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ये क्या बात करता है कि ऑफरर को आपने पढ़ा था ऑफरर को ऑफरर को ऑफरी को ऑफरर को ऑफरी को ऑफरी तेरा चेहरा अरे गाने नहीं गाने भाई गाने नहीं गाने नो सॉन्ग्स नो सॉन्ग्स नो सॉन्ग्स सुनो मेरी बात ऑफरर, ऑफरी ठीक है ऑफरर ऑफरी ऑफरर को ऑफरी को क्या करना होता है कम्युनिकेट करना होता है लेकिन हम कब मानते हैं कि ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट हो गया पहले तो ये देखो ऑफर कम्युनिकेट करने के कितने रास्ते होते हैं एक आप इसको ओरली कम्युनिकेट कर सकते हैं या आप इसे राइटिंग में कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसको हम एक्सप्रेस ऑफर भी कहते हैं जो हमने सीखा था और आप ऑफर को कंडक्ट से भी यानी बिना बोले भी कंडक्ट से भी कर सकते हैं जिसको हम इंप्लाइड ऑफर मानते हैं यानी ऑफर को कम्युनिकेट करने के तीन रास्ते होते हैं ओरली कर सकते हो राइटिंग में कर सकते हो या बिना ना ना ओरली राइटिंग बट कंडक्ट से कर सकते हो इन तीनों के एग्जाम्पल हम देख चुके थे आज हमें पढ़ना है आपको तो पता है ऑफर को कम्युनिकेट करना मैंडेटरी होता है बिकॉज अगर सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि ऑफर है तो वो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे देगा है ना यस और नो यस सर चलिए तो द कॉम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है लॉ कहता है जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाता है जिसे आपने ऑफर दिया था जैसे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं माहिष्मी किंगडम आपने देखा होगा बाहुबली मूवी जिन्होंने देखी होगी सो तो दिस इज माहिशमती किंगडम ये वहां का बेटा माहिशमती किंगडम का क्या है महल है अब महल में देखिए क्या हुआ महल में बेटा बाहुबली खड़ा हुआ है एक कोने में बाहुबली खड़ा हुआ है और दूर कोने में कटप्पा अंकल खड़े हुए हैं एक कोने में कौन खड़ा हुआ है बाहुबली खड़ा हुआ है और दूसरे कोने में महल के कौन खड़े हुए हैं कटप्पा अंकल खड़े हुए हैं कटप्पा ने कहा अरे बाहुबली ने कहा अरे कटप्पा मैं अपना क्राउन मैं अपना यह मुकुट बेचना चाहता हूं दो लाख रुपए में क्या तुम खरीदोगे क्या यह ऑफर है या नहीं ऑफर तो है बट अगर कटप्पा दूर खड़ा हुआ है तो क्या उसे सुनाई देगा बताओ अगर कटप्पा दूर कोने में खड़ा हुआ है तो क्या मेरी आवाज जरूरी है उस तक पहुंचे द आंसर इज नो तो मैंने तो ऑफर कम्युनिकेट कर दिया लेकिन क्या कटप्पा की नॉलेज में, में मेरा ऑफर आया द आंसर इज नो अगर कटप्पा बहुत दूर खड़ा हुआ है अगर कटप्पा बहुत दूर खड़ा हुआ है बाहुबली से तो क्या वो हमारे ऑफर सुन पाएगा द आंसर इज नो तो क्या मेरा ऑफर कम्युनिकेट हो गया क्या मेरा कम्युनिकेशन इस केस में ऑफर का कंप्लीट हो गया द आंसर इज द आंसर इज नो द आंसर इज नो मेरा कम्युनिकेशन यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसकी नॉलेज में अभी तक ऑफर नहीं आया क्योंकि उसकी नॉलेज में अब तक ऑफर नहीं आया केस टू टू मान लो मान लो कटप्पा अंकल पास आ गए मान लो कटप्पा अंकल पास आ गए लेकिन बाहुबली ने ऐसी भाषा में ऑफर कम्युनिकेट करा जो कि कटप्पा को नहीं आती थी अंगा मुंगा चुंगी पुंगा अंगा मुंगा चुंगी दो लाख अंगा मुंगा चुंगी पुंगा ऐसे करके पूछा तो मुझे बताओ अगर ये सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल फेस टू फेस यहां खड़े हुए हैं लेकिन अगर इनको ये बात समझ नहीं आई इन्होंने सुन ली इन्होंने सुन तो ली मेरी बात लेकिन इनको समझ नहीं आई तो क्या मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा द आंसर इज नो द आंसर इज नो अगर 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 मैंने ऑफर कम्युनिकेट किया लेकिन ऐसी भाषा में किया जो सामने वाले को समझ नहीं आती और कोई ट्रांसलेटर भी वहां पर नहीं था तो उस केस में हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता तो एक केस मैंने कब कहा जब देखो सिंपल सा रूल है लॉ में जब तक सामने वाले की नॉलेज में नहीं आ जाता जब तक जिसको आप ऑफर दे रहे हो उसकी नॉलेज में नहीं आ जाता ना उसकी नॉलेज में नहीं आ जाता ना तब तक तब तक तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया है और कम्युनिकेशन ऑफर का कंप्लीट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ सकती केस थ्री केस थ्री लेते हैं मान लो अब दोनों सामने खड़े हुए हैं एकदम पास में ये कटप्पा अंकल खड़े हुए हैं ये बाहुबली खड़ा हुआ है और इस बारी कटप्पा ने उसी भाषा में पूछा बाहुबली ने उसी भाषा में पूछा जो कटप्पा को समझती थी कि हे hey, कटप्पा क्या तुम मेरा क्राउन लाख रुपए में खरीदोगे मैं इसे बेचना चाहता हूं. क्या अब, क्या अब 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 उन्होंने सुन भी लिया अब उन्होंने समझ भी लिया क्या मैं अब यह कह सकता हूं क्या मैं अब यह कह सकता हूं कि मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया तो अब जाकर मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया अब जाकर मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया इज इट क्लियर यस और नो यस सर तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर दैट इज मैंने फेस टू फेस में क्या बताया कि भैया सेक्शन फोर ये बोलता है कि ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब वो उस पर्सन की नॉलेज में आ जाता है जिसको आपने किया है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज

बहुत ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं तो आगे जाकर कंफ्यूज हो जाओगे सुनो जेठालाल ऑफरर है जेठालाल कौन है ऑफरर है अय्यर ऑफरी है अय्यर कौन है ऑफरी है जेठालाल ने जेठालाल ने एक लेटर लिखा जेठालाल ने एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा क्या तुम क्या तुम मेरा मोबाइल दस हजार में खरीदोगे क्या तुम मेरा मोबाइल दस हजार में खरीदोगे यह लेटर लिखा और लेटर चिट्ठी पोस्ट कर दी एक जनवरी को एक जनवरी को चिट्ठी क्या कर दी पोस्ट कर दी भैया पोस्ट कर दी अब चिट्ठी को पहुंचने में टाइम लगेगा चिट्ठी कब पहुंची अय्यर के घर चिट्ठी पहुंची तीन जनवरी को और अय्यर ने वो चिट्ठी पढ़ी चार जनवरी को आप मुझे बताओ कि ऑफर का कम्युनिकेशन कौन सी तारीख को कंप्लीट मानू एक तारीख को तीन तारीख को या चार तारीख को बताइए कौन सी तारीख को ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट मानू मैं बताइए कौन सी तारीख जब 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 अय्यर की नॉलेज में ऑफर आएगा जब अयर की नॉलेज में ऑफर आएगा तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है बताइए किस दिन किस दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा चार जनवरी को कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा क्योंकि जिस दिन उसने पढ़ा उसी दिन तो उसकी नॉलेज में आएगा ना जिस दिन उसने पढ़ा उसी दिन तो उसकी नॉलेज में आएगा ना तो चार जनवरी इज दी करेक्ट आंसर बट मान लो अगर आपको आईसीएआई ने एग्जाम में क्वेश्चन दिया और रीडिंग की डेट नहीं दी मान लो अगर आईसीआई ने आपको आईसीआई कुछ भी कर सकता है आईसीआई ने सिर्फ आपको लेटर भेजने की डेट दी और लेटर रिसीव होने की डेट दी तब आप क्या करोगे तब आपका आंसर क्या होना चाहिए यह बताओ अगर रीडिंग की डेट दी ही नहीं है क्वेश्चन में तब हम ये मानेंगे तब हम ये एज्यूम करते हैं हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस दिन लेटर पहुंचा जिस दिन लेटर पहुंचा उसी दिन अय्यर भाई ने पढ़ लिया तीन जनवरी मानी जाएगी तीन जनवरी मानी जाएगी तीन जनवरी मानी जाएगी इज इट क्लियर यस और नो यस और नो यस सर दिस इज क्लियर यानी अगर डेट ऑफ रीडिंग दी हुई है तो रीडिंग वाले दिन नॉलेज में आएगा लेकिन अगर डेट ऑफ रीडिंग नहीं दी हुई है अगर डेट ऑफ रीडिंग नहीं दी हुई है तो किस दिन जाएगा जिस दिन लेटर पहुंचा था उसी दिन हम मान लेते हैं कि उसने पढ़ लिया आगे चलते हैं मेरा क्वेश्चन है क्या जेठा अपना ऑफर वापिस ले सकता है वापिस मतलब रिवोक रिवोक मान लो सुनो मान लो एक तारीख को मैंने चिट्ठी डाली बट दो तारीख को जेठा का मन बदल गया कि नहीं यार कि नहीं मैं ऑफर नहीं देना चाहता अरे गल, गलत ऑफर दे दिया यार वापस लेना चाहता हूं तो क्या ऑफर वापस लिया जा सकता है और अगर लिया जा सकता है तो ला कब तक वापस लिया जा सकता है कब तक यह क्वेश्चन आता है तो लॉ कहता है कि आप अपने दिए हुए ऑफर को वापस ले सकते हो लेकिन ध्यान से समझना ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना रिवोकेशन ऑफ ऑफर को ऑफर को वापस क्या लिया जा सकता है क्या ऑफर को वापस लिया जा सकता है प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे लेटर कब भेजा एक तारीख को लेटर कब पहुंचा तीन तारीख को लेटर कब पढ़ा चार तारीख को अब अय्यर ने अयर ने ना अयर ने ना तारीख को लेटर सुन लो अय्यर ने चार तारीख को लेटर पढ़ लिया अय्य ने चार तारीख को लेटर पढ़ लिया अब लेटर पढ़ने के बाद अय्यर ने क्या करा एक्सेप्टेंस का लेटर बनाया कि हां मैं खरीदने के लिए रेडी हूं मैं खरीदने के लिए रेडी हूं और यह लेटर उसने छह जनवरी को यह लेटर उसने छ जनवरी को ये लेटर उसने 6 जनवरी को डाला यह लेटर उसने 6 जनवरी को डाला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय ऑफर ऑन नाइन जनवरी और यह जो लेटर था यह 9 जनवरी को कहां पहुंचा यह 9 जनवरी को कहां पहुंचा इनके पास पहुंचा जेठालाल के पास ठीक है और जेठालाल ने यह लेटर 10 जनवरी को पढ़ा है ना 10 जनवरी को पढ़ा मान लो ये डेट क्वेश्चन ये आता है कि क्या जेठालाल अपने ऑफर को वापस ले सकते थे तो लॉ ने यह कहा ध्यान से सुनना लॉ ने कहा जेठालाल जो है जिस दिन अयर ने लेटर किस दिन पोस्ट करा एक्सेप्टेंस का अयर ने जिस दिन लेटर पोस्ट कराना 6 जनवरी को उस तारीख से पहले तक अगर जेठालाल चाहे तो अपना ऑफर वापस ले सकते हैं लेकिन एक बारी अगर अय्यर ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया एक बारी ठीक है एक बारी अगर अयर ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया ना तो भैया वो वापस नहीं लिया जा सकता और मैं बता रहा हूं बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये सारे एग्जाम में आते हैं बहुत टेक्निकल है बाद में जाकर कंफ्यूज हो तो पूरे फोकस से सुनना पूरे फोकस से सुनना कि अगर छह जनवरी को डाल दिया तो जो ऑफर है उसके बाद रिवोक नहीं हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लो मान लो एक जनवरी को एक जनवरी को जेठा लाल ने जब लेटर डाला था किसका ऑफर का तो दो जनवरी को उसे लगा अरे गलत लेटर डाल दिया गलत लेटर डाल दिया तो उसने क्या करा दो जनवरी को लेटर ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर उफ डाला कि मैं अपना ऑफर वापस लेना चाहता हूं और यह ऑफर का लेटर अय्यर को पांच तारीख को पहुंचा पांच तारीख को लेटर पहुंचा किस चीज का कि वो अपना ऑफर वापस लेना चाहता है तो क्या यहां पर हम यह मान लेंगे कि ऑफर जो ऑफर है वो कैंसल हो गया द आंसर इज यस yes. क्योंकि क्योंकि जेठा लाल जनवरी से पहले अगर छ जनवरी से पहले जो है अपना क्या कर सकते हैं ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं छ जनवरी से पहले अपने ऑफर को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते थे लेकिन अगर यह लेटर अगर यह लेटर छे जनवरी के बाद पहुंचा मान लो सात जनवरी को पहुंचा तब तक तो अयर ऑलरेडी अपनी एक्सेप्टेंस दे चुके थे ना लेटर पोस्ट कर चुके थे ना तो यहां पर लॉ कहता है यहां पर यहां पर कैंसिल नहीं कर सकते यहां पर आपका जो ऑफर है वो कैंसिल नहीं माना जाएगा यानी लॉ ने कहा है आप ऑफर वापस ले सकते हो लेकिन कब तक ले सकते हो जब तक ऑफर ही अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं करता उससे पहले तक आप रिवोकेशन जो है कर सकते हो उससे पहले तक आप जो है रिवोकेशन कर सकते हो ठीक है ओके यस और नो यस सर अब ऑफर को कैंसल होने के बहुत सारे रास्ते हैं ऑफर को कैंसल करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड है बहुत सारे मेथड है, है मैं आपको सारे मेथड बताने जा रहा हूं ये मेथड्स आगे दिए हुए हैं पेज नंबर मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूं पेज नंबर बता देता हूं आपको पेज नंबर 1.26, पेज नंबर 1.26 पे ले जा रहा हूं पहले क्योंकि रिवोकेशन ऑफ ऑफर की बात आई है तो ऑफर कैसे कैसे कैंसिल हो सकता है यानी एक बार अगर आपने ऑफर दिया तो क्या वो वापस लिया जा सकता है या नहीं और लिया जा सकता है तो उसके कितने तरीके होते हैं ये बात पेज नंबर वन पॉइंट टू लिखी हुई है बड़े सारे रास्ते मैं एक एक करके आपको सारे रास्ते समझाऊंगा सारे रास्ते सुन लेना सबसे पहला रास्ता अगर आपने ऑफर दे दिया और आप अपना ऑफर वापस लेना चाहते हो तो लॉ कहता है नोटिस दे दो नोटिस मतलब सामने वाली पार्टी को बता दो कि मैं अपना ले रहा हूं जैसे जेठालाल ने नोटिस दे दिया था ईयर को कि मैं अपना ऑफर वापस ले रहा हूं तो दिस इज द फर्स्ट मेथड जिससे कि आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हो दिस इज क्या ले सकते हो वापस ले सकते हो ये पहला मेथड है नोटिस देके दूसरा मेथड है टाइम अगर आपने ऑफर में सात दिन का टाइम दिया था और सात दिन तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है तो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाता है ऑफर अपने आप खत्म हो जाता है अगर ऑफर में टाइम मेंशन था बट अगर ऑफर में टाइम मेंशन नहीं था तो लॉ कहता है ऑफर रीजनेबल टाइम के बाद रिवोक हो जाता है लेकिन रीजनेबल टाइम क्या होता है वो लॉ बताता नहीं है वो लॉ बताता नहीं है तो यहां पर द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप्स यानी अगर आपके ऑफर में कोई टाइम मेंशन था और वो टाइम खत्म हो जाता है तो आपका ऑफर कैंसल हो जाता है उसके बाद उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता लेकिन अगर कोई टाइम मेंशन नहीं था तो रीजनेबल टाइम में किया जाता है रीजनेबल टाइम में किया जाता है ठीक है रीजनेबल टाइम में किया जाता है क्योंकि ऑफर देने वाला पूरी जिंदगी वेट नहीं करता ऑफर देने वाला पूरी जिंदगी वेट नहीं करता सिर्फ रीजनेबल टाइम तक वेट करता है ओके okay, सर इसमें एक केस लॉ भी है रामसगेट विक्टोरिया होटल नॉट मच इंपॉर्टेंट केस लॉ नॉट मच इंपॉर्टेंट केस लॉ इसमें क्या हुआ एक पर्सन ने कंपनी को जून में ऑफर दिया था शेयर खरीदने का एक पर्सन ने कंपनी को जून में ऑफर दिया था शेयर खरीदने का कि मैं आपके शेयर खरीदना चाहता हूं कंपनी ने नवंबर में अलॉटमेंट कर दी कंपनी ने नवंबर में क्या करी अलॉटमेंट यानी जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर मतलब चार पांच महीने बाद उसका ऑफर एक्सेप्ट करा तो लॉ ने कहा अरे इतने टाइम बाद आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो आपको तो रीजनेबल टाइम में करना था बट ये केस लो अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट में अब एक्सेप्ट करने की टाइम लिमिट डाल दी गई है इसीलिए यह केस लो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बाद मान लो कि ऑफर में कोई कंडीशन लिखी हुई थी कि अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको यह कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तभी होगा मान लो मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरा घर रेंट पर लोगे और उसमें कंडीशन ले दी कि अगर आप मेरा घर रेंट पर लेना चाहते हो तो आपको एडवांस में 20% परसेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा बट आपने एक्सेप्टेंस तो भेजी बट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भेजा यानी जो कंडीशन मैंने आपको बोली थी फुलफिल करने के लिए एक्सेप्टेंस के लिए अगर आपने वो नहीं मानी तो मेरा ऑफर रिबोक मान लिया जाएगा और आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी ठीक है तो अगर ऑफरर ने कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं कि अगर आपको पहले या तो कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या कोई पैसा जमा कराना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा और एक्सेप्टर वो नहीं करता है तो हम ऑफर को रिवोक मान लेते हैं और फिर ऑफर कैंसल हो जाता है फिर ऑफर कैंसल हो जाता है ऑफर देने वाले की एक्सेप्टेंस आने से पहले डेथ हो जाती है ऑफर देने वाले की अगर एक्सेप्टेंस आने से पहले डेथ हो जाती है तो ऑफर रिवोक हो जाता है या ऑफर देने वाला अगर एक्सेप्टेंस आने से पहले पागल हो जाता है तो भी ऑफर रिवोक हो जाता है तो भी ऑफर रिवोक हो जाता है और यह तो आप जानते ही हो कि काउंटर ऑफर देने से ओरिजिनल ऑफर कैंसल हो जाता है ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाता है काउंटर ऑफर बोलो चाहे कंडीशनल एक्सेप्टेंस बोलो एक ही बात है अगर आप ओरिजिनल ऑफर को कंडीशनली एक्सेप्ट करते हो या उसके बदले काउंटर ऑफर देते हो तो ओरिजिनल ऑफर रिवोक मान लिया जाता है कैंसल्ड मान लिया जाता है उसके बाद अगर आप मैंने मेथड बताया था मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस का मेथड ये होना चाहिए बट आप उस मेथड से उस मेथड से एक्सेप्टेंस नहीं देते हो और मैं आपको कम्युनिकेट कर देता हूं कि आपने उस मेथड से एक्सेप्टेंस नहीं दी थी तो भैया वहां पर भी ऑफर रिवोक मान लिया जाता है या अगर ऑफर देने के बाद बट एक्सेप्टेंस आने से पहले ऑफर देने के बाद और एक्सेप्टेंस आने से पहले अगर वो चीज इलीगल हो जाती है तो भी ऑफर रिवोक हो जाता है तो भी ऑफर रिवोक हो जाता है so these are the reasons जिसकी वजह से ऑफर क्या होता है कैंसल हो सकता है दीज आर रीजन जिसकी वजह से ऑफर क्या हो सकता है कैंसल हो सकता है ठीक है क्लियर है क्या है? यहां तक सबको जल्दी बताओ यहां तक सबको क्लियर है जल्दी जल्दी बताओ फिर एक एंड में गाना भी तो गाना है जल्दी 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 यस यस एनर्जी नहीं दिख रही है भाई तब तुम्हारे यस में इंस्टा की आईडी मांग रहे हो तो एनर्जी दिख रही है इंस्टा की आईडी मांगी जा रही है तो एनर्जी दबा के दिखती है लेकिन यस बोलने में एनर्जी नजर नहीं आ रही है ओ माय गॉड्स चलिए आइए चलिए आगे चल रहा हूं अब मैं ठीक है आइए आगे चल रहा हूं मैं एक्सेप्टेंस को अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के बाद कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसमें मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा एक पढ़ाऊंगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन और एक पढ़ाऊंगा टाइम लिमिट एक पढ़ाऊंगा टाइम लिमिट टाइम लिमिट मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूं टाइम लिमिट के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा तो यह मैं कल पढ़ाऊंगा यह मैं कल पढ़ाऊंगा आज सिर्फ मैं फिर क्या करवाने वाला हूं आज सिर्फ मैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन कराने वाला हूं टाइम लिमिट के लिए टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा अराउंड ये थर्टी मिनट्स का टॉपिक है थर्टी मिनट्स इसमें लगेंगे और अभी हमारे पास थर्टी मिनट्स नहीं है तो इसको मैं कल करवा दूंगा बट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज पढ़ा देता हूं कि किन किन तरीकों से आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो पहले तो मुझे बताओ क्या एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना मैंडेटरी होता है या नहीं होता है पेज नंबर पूछ रहा है बच्चा पेज नंबर है 1.22, 1.22 पेज नंबर बता देता हूं लेकिन एक ऐसा केस था एक ऐसा केस था जहां पर हमने एक्सेप्टेंस कॉम्युनिकेट नहीं करी थी कौन सा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल वाला बाकी सारे केसेस में ऑफरी को ऑफरर को क्या करनी होती है एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करनी होती है एक्सेप्टेंस लेकिन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल में ऐसा नहीं था चलिए तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये मैंने आपकी बुक में से ही लाया हूं सीधा टाइप नहीं करवाया था मैंने सीधा मैंने कहा बुक में से पढ़ाया जाएगा आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये कौन से पेज पे दिया हुआ है ये पेज पे दिया हुआ है तो मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस को क्या क्या मोड से आप कम्युनिकेट कर सकते हो पहला मोड है आप उसे कम्युनिकेशन बाय एक्ट एक्ट यहां पर मतलब है एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस यहां पर एक्चुअली का मतलब थोड़ा सा अलग दिया हुआ है नॉर्मली एक्ट का मतलब यह नहीं होता है वो ओरल भी हो सकती है यानी कम्युनिकेशन एक्ट में रिटर्न और ओरल आती है मैं यहां पर चार्ट बनाते हुए चलता हूं ताकि आपको क्लियर होता जाए आप अपनी कम्युनिकेशन बाय एक्ट कर सकते हो एक्ट मतलब ओरल भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो जिसको हम एक्सप्रेस कॉम्युनिकेट एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस भी कहते हैं बट क्योंकि एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमने एक्सप्रेस ऑफर पढ़ा हमने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा बट हमने एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्योंकि हम एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन बाय एक्ट के नाम से बुलाते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्ट के नाम से बुलाते हैं ठीक है ओके okay, सर उसके बाद रिटर्न वर्ड्स रिटर्न वर्ड्स में रिटर्न में कैसे दे सकते हो रिटर्न में मतलब आप लेटर भेज सकते हो टेलीग्राम भेज सकते हो फैक्स भेज सकते हो ईमेल भेज सकते हो या इवन एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो ये सारी चीजें रिटर्न एक्सेप्टेंस का पार्ट है और ओरल में ओरल में कैसे दोगे आप हो सकता है टेलीफोन मैसेज से भेज दो है ना हो सकता है फेस टू फेस बोल दो करेक्ट हो सकता है फेस टू फेस बोल दो ठीक है <coughs> ओके तो ये सारी चीज आपकी किस में आ जाती है कम्युनिकेशन बाय एक्ट बट बट आप कोई पॉजिटिव एक्ट या साइन भी दिखा सकते हो वो भी हम कवर कर लेंगे लेकिन क्या आप क्या आप बिना कुछ करे भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो क्या आप ओमिशन का मतलब होता है कुछ ना करना कम्युनिकेशन बाय ओमिशन कम्युनिकेशन बाय ओमिशन क्या आप बिना कुछ करे भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो मतलब देखना यहां पर बोल के नहीं अब समझना मेरी बात को ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को मैंने ऋषभ सर को बोला ध्यान से सुनना ऋषभ सर ओ ऋषभ सर मैं आपको एक करोड़ रुपए दूंगा मैं आपको एक करोड़ रुपए दूंगा अगर आप ट्वेल्थ के फेलिसिटेशन वाले इवेंट में नहीं जाओगे तो ये जो ट्वेल्थ का पीडब्ल्यू का आज फेलिसिटेशन इवेंट है अगर ऋषभ सर आप वहां नहीं जाओगे मैं आपको एक करोड़ दूंगा अब ऋषभ सर मान लो वहां पर नहीं गए यानी क्या उन्होंने वहां पर ना जाकर मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया समझ के देखो क्या उन्होंने इवेंट में ना जाकर क्या मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्या उन्होंने मतलब एक तरह से वो इवेंट में नहीं गए मैंने बोला मैं तुम्हें एक करोड़ दूंगा अगर तुम इवेंट में नहीं जाओगे और वो सच में नहीं गए यानी उन्होंने बिना कुछ करे एक्सेप्टेंस दे दी बिना कुछ करे एक्सेप्टेंस दे दी अब मुझे एक करोड़ रुपए ऋषभ सर को देने पड़ेंगे है ना तो बिना कुछ करे भी बिना कुछ करे भी आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो करेक्ट और नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट आप अपनी एक्सेप्टेंस आप अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कंडक्ट से दे सकते हो कंडक्ट से दे सकते हो मतलब ए ने बी को बोला कि क्या तुम मुझे एक लाख रुपए के गुड्स बेचोगे क्या तुम मुझे एक लाख के गुड्स बेचोगे बी ने यस नहीं बोला गुड्स ही बेच दिए ने यस नहीं बोला ही भेज दिए यानी उन्होंने कुछ करके ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि अगर उन्होंने ही भेज दिए मतलब उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मतलब उन्होंने हमारा ऑफर क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया तो या तो आप बोल के या लिख कर कर सकते हो या आप कुछ ना करके भी कर सकते हो या आप कुछ काम करके भी कर सकते हो आप कुछ काम करके भी कर सकते हो इज दिस पॉइंट क्लियर यस और नो तो यही बात बेटा यहां पर लिखी हुई है देखिए सच ओमिशन इज कन्वर्ट बाय अ कंडक्ट और बाय फॉरबीरेंस ऑन दी पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और एसेंट साइलेंस देखो आप ये तो जानते हो कि साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता साइलेंस ये तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है वही बात यहां पे लिखी हुई कि साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होता साइलेंस को ओमिशन मान के एक्सेप्टेंस मत मानना लेकिन मान लो ए ने बी को बोला था कि मैं तुझे पचास हजार दूंगा अगर तू अगर तू कल कोर्ट नहीं गया अगर तू कल कोर्ट नहीं गया और बी सच में सच में उस दिन अगर कोर्ट नहीं गया तो यानी उसने कोर्ट ना जाकर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी उसने कोर्ट ना जाकर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी दिस इज एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन और फिर आती है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट यानी अगर आप कुछ काम करके अगर दे देते हो कुछ करके अगर एक्सेप्टेंस दे देते हो जैसे ए ने बी को ऑर्डर दिया था और बी ने अगर सामान ही भेज दिया मतलब उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय अ सेलर अगर सेलर ने सीधा डायरेक्टली गुड्स भेज दिए तो यानी उसने आपका ऑफर जो है बाय कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया सिमिलरली किसी को यह एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एक पब्लिक बस पे चढ़ते हो अगर आप किस पे चढ़ते हो पब्लिक बस पे जाकर चढ़ते हो यानी आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया पब्लिक बस पे चढ़ना एक ऑफर होता है जो एक जगह से दूसरी जगह आपको लेकर जाती है और अगर आप उस पर चढ़ जाते हो तो वो एक्सेप्टेंस होता है या जो वेइंग मशीन पड़ी होती है वेइंग मशीन जो पड़ी होती है जब आप उसमें सिक्का डालते हो वजन करने के लिए जब आप उसमें सिक्का डालते हो तो ये आपने बाय कंडक्ट क्या करते हो एक्सेप्टेंस करते हो बाय कंडक्ट क्या करते हो एक्सेप्टेंस करते हो द फर्स्ट एक्ट ज अ कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हिस कम्युनिकेशन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ऑफर दिया होता है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो बाय कंडक्ट बाय कंडक्ट ठीक है इज दिस क्लियर यस और नो यस सर दिस इज टोटली 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 अच्छा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सुनिए सिर्फ अगर आप अपने मन में एक्सेप्टेंस रखते हो और कम्युनिकेट नहीं करते हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बताओ अगर आप अपने मन में एक्सेप्टेंस रखते हो अगर आप अपने मन में एक्सेप्टेंस रखते हो अगर आप अपने मन में एक्सेप्टेंस रखते हो लेकिन कम्युनिकेट नहीं करते हो आपने मन में एक्सेप्ट कर लिया लेकिन कम्युनिकेट नहीं करा ना तो बाय एक्ट करा ना बाय कंडक्ट करा ना बाय ओमिशन करा यानी आपने मन में तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन ना बाय एक्ट कम्युनिकेट करा ना बाय ओमिशन कम्युनिकेट करा और ना बाय कंडक्ट कम्युनिकेट करा तो इस केस में क्या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट मानी जाएगी लॉ कहता है नहीं इस केस में एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं मानी जाती है इस केस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है यह बात एक केस लॉ में भी हुई थी ट इज सेंट्रल बैंकमल वर्सिजेंटेश देखिए क्या हुआ था Mental, उसने अपने माइंड में, हाँ में तो हा बोल दी लेकिन कम्युनिकेट करना भूल गया अपने मन में तो हा बोल दी लेकिन उसे कम्युनिकेट करना भूल गया इस पर कैसलो हो गया कि मान लो एक बैंक ने डिसीजन लिया रेजोल्यूशन मतलब डिसीजन एक बैंक ने डिसीजन लिया कि वो

या तो ओमिशन से कर सकते हो या कंडक्ट से कर सकते हो लेकिन अगर तीनों ही चीजें नहीं है अगर तीनों ही चीजों से नहीं हो रही है तो वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है वो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती है ये तो ऐसा हो गया ये तो ऐसा हो गया गुरप्रीत सब ने नूरा मैम से पूछा कि क्या मेरे साथ कॉफी पे चलोगी क्या और नूरा मैडम ने मन में हाँ कर दी लेकिन गुरप्रीत को बताई ही नहीं नूरा मैम ने गुरप्रीत को बताई नहीं मन में तो हाँ कर ली लेकिन लेकिन गुरप्रीत को नहीं बताई तो यहां पर एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं मान नहीं जाएगी चलिए नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कितना टाइम बचा है कितना टाइम बचा है अरे टाइम हो गया यार टाइम हो गया अब ज्यादा और नहीं पढ़ाएंगे बस टाइम हो गया ये टॉपिक अब कल पढ़ाएंगे ज्यादा नहीं करते हम थोड़ी देर इधर उधर की बातें भी कर आओ कल पढ़ाया जाएगा कल पढ़ाया जाएगा आगे का टॉपिक अब कल पढ़ाएंगे ठीक है चलिए चैट भी आपकी देख ले छट छटा छट छट गाना भी एक गा दें नहीं तो आप लोग मुझसे तो खफा खफा हो जाते हैं हाँ हिमानी पांच मिनट है लेकिन ये कॉन्सेप्ट थर्टी मिनट्स का है तो पांच मिनट है और कॉन्सेप्ट थर्टी मिनट का है तो ये कंप्लीट नहीं होता है इसीलिए मैं यहां पर रुक गया कि बीच में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है बीच में पढ़ाने का कोई फायदा नहीं थैंक यू प्रिया बेटा एक बच्चा लिख रहा है सर आप स्पीड पे पढ़ा रहे हो <coughs> बेटा आज कितने दिन हो गए हैं लेक्चर टोटल लेक्चर बताओ ग्यारह कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं ये बताओ जो बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं आज इलेवेंथ लेक्चर है इलेवेंथ लेक्चर है गुरप्रीत सर का कितने यूनिट्स कंप्लीट कर दिए गुरप्रीत सर ने बताएगा कोई अगर गुरप्रीत सर फास्ट पढ़ा रहे हैं ठीक है तो बस मुझे यह बता दो कि गुरप्रीत सर के कितने यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं ग्यारह लेक्चर में द आंसर इज जीरो अभी तक एक भी यूनिट कंप्लीट नहीं करा पाया हूं मैं अभी तक और टोटल यूनिट्स कितने हैं टोटल छ यूनिट्स हैं इस चैप्टर के छह यूनिट्स हैं अभी तक एक भी यूनिट नहीं खत्म हुआ है चलिए आइए गाना गाते हैं अब और क्या है बच्चा चाहता है कि एक यूनिट गुरप्रीत सर तीन महीने पढ़ाए तुम ये चाहते हो बताओ तो मैं वो भी कर दूंगा एक यूनिट तीन महीने में बढ़ाए बताओ चलिए आइए गाना गाते हैं आ गए नॉडी नॉडी जो भी बच्चे बोल रहे हैं डाउट उन्होंने डाउट इंजन में डाल दिया होगा मैं रात को सॉल्व कर दूंगा ठीक है चलो आ गया नोडी नोडी पे पै, -पै करके बोले आ गया नोडी नोडी आओ हम सब खेले आ गया नोडी नोडी कर बोलो हुर्रे हो जाओ तैयार और चलो चलो है सुहाना दिन नोडी से मिलने आ गया नोडी नॉडी चलाकर अपनी कार आ गए नोडी नॉडी टॉय टाउन है उस पार आ गए नोडी नॉडी आओ सब झूमे सब गाएं है सुहाना दिन नोडी आया फट पट, पट, पट उससे मिलो चलो एक बच्चे की टेस्ट की क्वेरी आ रही है टेस्ट की क्वेरी मैं आंसर कर देता हूं देखो दो टेस्ट होते हैं एक होता है प्रैक्टिस टेस्ट जो बच्चों को सेल्फ चेक करना होता है सेल्फ चेक करना होता है ये इंक्लूडेड इन बैच होता है इंक्लूडेड इन बैच होता है ठीक है ओके okay, एक होता है प्रैक्टिस टेस्ट और एक होता है मास्टर टेस्ट मास्टर टेस्ट जो कि बच्चों ने या तो कॉम्बो लिया होता है उनको मिलता है या उन्होंने सेपरेट परचेज करा होता है जिसमें कॉपी चेक करके मिलती है जिसमें कॉपी चेक करके मिलती है ठीक है यस और नो यस सर चलिए ओके अब ये वाला जो सिलेबस होते हैं ये पांच टेस्ट होते हैं एक ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट और हंड्रेड यानी ये सिलेबस ऐसे होता है तो ये जो आपका टेस्ट होगा ये कब होगा ये जो आपका टेस्ट होगा ये होगा जब आपका ट्वेंट इसका मास्टर टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कब होगा जब आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 25% क्या अभी आपका 25% सिलेबस कंप्लीट हो गया आप मुझे बताओ क्या अभी आपका 25% 25% हो गया क्या? The answer is no. The answer is no. 25 होने में तो टाइम है अभी तो इसीलिए जो अभी टेस्ट आएंगे जो अभी टेस्ट आएंगे ना ठीक है जो अभी टेस्ट आएंगे वो ये वाले टेस्ट आते हैं ये टेस्ट वीकली होते हैं ये टेस्ट कैसे होते हैं वीकली दो सब्जेक्ट के होते हैं ईच दो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट हर वीक होते हैं हर सब्जेक्ट के कभी मैथ्स कभी होगा लॉ एंड मैथ्स और कभी होगा आपका एक वीक में होगा अकाउंट्स एंड इको ऐसे करके ये टेस्ट लिया जाता है वीकली वाला ठीक है सत्यजन कह रहा है अभी तो फर्स्ट चैप्टर का भी पच्चीस परसेंट नहीं हुआ है ठीक है ओके क्लियर है क्या हां मतलब शिफ्टिंग हो सकती है अकाउंट में जो भी है देख लेना बट ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट आ गई होगी नेक्स्ट पॉइंट ठीक है और ये वाला जो मास्टर टेस्ट सीरीज है ये अलग से आएगा आगे एक और पॉइंट बात करते हैं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं बेटा सुनो आज लवसर की क्लास नहीं है आज लवसर की क्लास कैंसल हो गई है क्योंकि आज वो ट्वेल्थ का जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम है वो वहां पर गए हुए हैं आप भी जब कल को सीए फाउंडेशन में 350 प्लस मार्क्स लाएंगे जैसा कि राहुल सर ने कहा है राहुल सर ने कहा है ना जो भी बच्चा साढ़े तीन सौ प्लस लाएगा उसका भी हम लोग फेलिसिटेशन कराएंगे उसको भी यहां पर बुलाया जाएगा नोएडा में बुलाया जाएगा तो वो आज वहां गए हैं तो कल को आप जब साढ़े तीन सौ प्लस मार्क्स लाएंगे तो आपको भी बुलाया जाएगा ठीक है श्रेयांश बेटा लॉ में आंसर कैसे लिखे मैं उसके लिए अलग से लेक्चर लेने वाला हूं डोंट वरी श्रेयांश यू डोंट टेक टेंशन ऑफ एनीथिंग चलिए टाटा बाबा ख्याल रखेंगे